सिद्धू मेरे लिए ये वाले जूते लेके आए क्योंकि ये मुझे शू बाइट दे रहे थे। अब इसको खुद के शू बाइट दे रहे हैं तो ये मेरे शू बाइट वाले पहन के जा रही है। क्या एक तो अभी जल्दी निकल रही है, मेरे को कुछ काम है, वो काम मैं निपटा के निकलूंगा। अलग अलग जाएंगे भाई, अलग अलग जाएंगे तो टाइम स्पेंड कैसे करेंगे? इसकी बहुत दिक्कत है भाई टाइम स्पेंड करने की। मैंने कहा घर पे होते हैं जब तुम हो, बच्चे हो, टाइम स्पेंड तो हो रहा है। कहते हैं नहीं, टाइम स्पेंड की डेफिनेशन है बच्चे ना हो, फोन ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, सब कुछ ना हो। मैंने कहा ऐसा तो टाइम स्पेंड हो ही। टाइम टू से बाय बाय टू दिस लवली होटल। बाय बाय, बहुत अच्छा लगा कल मैच, अमेजिंग था। बहुत सारे मैच देखे मैंने, हर गैलरी से देखे मैंने, लेकिन मैं अपने साथ ये टिकट हमेशा रखता हूँ, इंडिया साउथ अफ्रीका कोलकाता मैच की। मैं अपने साथ ले लेके घूम रहा हूँ क्योंकि ये टिकट पाने के लिए जो जद्दोजहद मैंने की थी सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फाइनली गॉट द टिकट। के लिए भाई हालत खराब हो गई भाई, मुझे लगा था शायद नहीं होगा। 4:30 तक वेट करूंगा, 4:20 पे टिकट मिली। जैसे ही अंदर गया, श्रेयस अय्यर आउट, फिर विराट कोहली की सेंचुरी, मतलब ये मैच यादगार था मेरे लिए। आज हम जा रहे हैं मुंबई के ATC टावर, विच इज द एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। एयरपोर्ट पे जितने भी मूवमेंट होते हैं ATC के इंस्ट्रक्शन से होते हैं। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द फील्ड दो फील्ड होते हैं, कंट्रोल्ड एयर फील्ड और अनकंट्रोल्ड एयर फील्ड। अनकंट्रोल्ड में टावर नहीं होता, आपको कोई बताने वाला नहीं कि कब टेक ऑफ करना, कब लैंड करना है, टैक्सी कहाँ से करना है, वो पायलट्स अपने से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो बड़ी फील्ड्स होती है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, बड़ी फील्ड्स है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि पायलट्स अपने आप से मैनेज नहीं कर सकते। छोटी फील्ड जैसे US में हम जहाँ फ्लाई करते हैं, बहुत जगह पे जहाँ हम लोग ट्रेनिंग सीखते हैं, वहाँ पे 5 एयरक्राफ्ट, वो भी छोटे वाले, 6 एयरक्राफ्ट है, 10 एयरक्राफ्ट है, एक बार में 4 फ्लाइंग कर रहे हैं, बहुत होते हैं 4 एक बार में। तो वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि भैया आई एम टैक्सिंग, एक बोले का मैं डिपार्ट कर रहा हूँ, एक बोले का मैं पैटर्न में हूँ। तो आपस में यू मेक अ प्लान इन योर हेड कि हाँ वो यहाँ पे है, वहाँ पे अपनी खुद की सेपरेशन मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि यू नीड अ प्रॉपर टावर, ATC कंट्रोल, पूरा सिस्टम कैसे होता है आज जाके वो देखेंगे। तो अभी हाँ ये देखो, ये लैंड हुआ ना जहाज, ये आया, तो ये रनवे 14 है जहाँ पे लैंड हो रहा है। ये बॉम्बे का मेन रनवे है, इस पे अभी चल रहा है काम। ये पूरा टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 आप देखेंगे, टर्मिनल 2 वो रहा, ये पूरा टर्मिनल 2 है। तो लोगों को लगता है कि टर्मिनल अलग अलग है तो एयरपोर्ट अलग अलग होगा, सेम रनवे होता है, बस टर्मिनल इज फॉर पैसेंजर। मुंबई में 2 रनवे है, एक ये रनवे जा रहा है, ये मेन रनवे है, अभी इस पे काम चल रहा है, तो इसलिए सेकेंडरी रनवे ये वाला है। दिस इज 1432। अभी 1432 का मतलब क्या है कि एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ इस डायरेक्शन में करेंगे। ये रनवे है मेन रनवे बॉम्बे का, ये वाला ये है रनवे 27। तो 27 का मतलब क्या है, वेस्टर्नली हेडिंग में आप लैंड कर रहे हैं। 360 हो गया, ईस्ट 090 हो गया, साउथ 180 हो गया, और वेस्ट आपका 270। तो अगर आप 27 पे लैंड करें तो आप वेस्टर्नली जा रहे हैं, वो मतलब हुआ। जैसे ये रनवे 27 हो गया, तो इसका ऑपोजिट जो उस तरफ पड़ेगा ये रनवे, ये ऑटोमेटिकली हो गया 09। तो 09 मतलब जब आप लैंड कर रहे हैं, योर नोज इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज, वो मतलब होता है। तो बेसिकली ऑपरेशंस कैसे, जैसे ये आकाशा एयर है अभी, ये कर रहा है टैक्सी, ये अभी इसको करना है टेक ऑफ। तो रनवे जो चल रहा है वो ये वाला रनवे यूज है। तो ये भाई अभी यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये रनवे क्रॉस करेगा, उस साइड जाएगा, उस साइड से घूम के फिर अपना जहाज दिखाता हूँ, सॉरी। तो ये रनवे क्रॉस करेगा, उस साइड जाएगा, वहाँ से घूम के ये स्पाइस हेड है, यहाँ पे लाइन अप करेगा, और यहाँ से फिर ये मेन रनवे है। ये मेन रनवे पे वाइट एरो देख रहे हो आप, तो वाइट एरो पे भाई दिक्कत क्या है, वाइट एरो पे आप टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वाइट एरो पे लैंडिंग नहीं कर सकते। ये नुएंसेस है एविएशन के, लैंडिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, आपको टच डाउन करना है, ये जो मार्कर देख रहे हैं वाइट वाइट बड़ी सी लाइनें खींची हुई है, ये देखो लिखा हुआ रनवे 14, ये 14 लिखा हुआ है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो लैंडिंग आपको इस पॉइंट के बियॉन्ड ही करनी है, जो एमिंग पॉइंट होता है आपका टच डाउन पॉइंट, ये देखो ये 1000 फीट मार्कर है, जो दो बड़ी बड़ी वाइट लाइन है, ये 1000 फीट मार्कर है, मतलब कि ये रनवे थ्रेशोल्ड है, इसके बाद आपको लैंड करना, और बेसिकली 1000 फीट पे आपको एम करना, लैंड करना। जितनी भी मार्किंग है ना रनवे पे, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है, और वो पायलट को पता होता है। अगर आपने यहाँ लैंड कर दिया तो आप दिक्कत में आ सकते हो, अभी विस्तार आ रहे हो, कहाँ से लैंड करेगा, ये देखो ये गया 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 गया, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, तो थ्रेशोल्ड पे इसकी हेड होगी 50 फीट, ये 50 फीट क्रॉस किया, ये देखो अभी 1000 फीट पे टच करेगा, ये एम किया, अरे देखो देखा, एकदम सही बताया ना, वहीं पर टच किया देखो। अभी बेसिकली क्या है, इसका जो स्ट्रेस वाला कैपेसिटी होता है ना, इम्पैक्ट पे रनवे पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो दिस एरिया इज नॉट मेड फॉर दैट। ऑल्सो इस पर आप लैंड नहीं कर सकते क्योंकि पीछे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, बिल्डिंग है, पेड़ है, तो टू लैंड हेयर यू हैव टू क्रॉस दिस एट 50 फीट, बट इफ़ यू क्रॉस दिस एयर 50 फीट तो यहाँ पे आपको बहुत लो होना पड़ेगा, तो सेफ्टी मार्जिन कम हो जाते हैं एयरपोर्ट के। तो आप कोई बिल्डिंग है, पेड़ है, उस हिसाब से फिर थ्रेशोल्ड को आगे शिफ्ट करते हैं। ये
जहाज ये जहाज ये जहाज ये सब डिपार्ट करेंगे यहीं से नंबर, ये तो दे आर नॉट गोइंग टू द स्टार्टिंग ऑफ द रनवे, यहीं से डिपार्ट कर। तो बेसिकली क्या है, द पायलट कैलकुलेट्स हिज परफॉर्मेंस। आपकी किताब विताबें आप खोल के देख लीजिए, अगर यहाँ से आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है अच्छा, आपका कार्गो वार्गो ज़्यादा नहीं है, पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेरी हॉट डे, तो क्या है गर्मी के दिन में इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, अगर ठंडी के दिन बढ़ जाती है। तो आज बढ़िया मौसम है तो दे आई मस्ट हैव कैलकुलेटेड पीछे कौन जाएगा, उतना तेल एक्स्ट्रा और चला दो, सब यहीं से टेक ऑफ मारा, विस्तारा जा रहा है दो इंडे हो जाएंगे, इसे भी लाइन अप करेंगे और ये यहीं से निकल लेंगे ये लोग। ये देखो ये गया विस्तारा, फ्लाई करना चाहता है इनिशियली मुंबई में, हम 80 देते हैं सबको, और ये इसका ईओबीटी टाइम है, ये मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रहा है अभी जैसे। अच्छा ये एयरक्राफ्ट जो हर एयरक्राफ्ट का ऐसा एक बना देते हैं, ब्लू मतलब डिपार्चर। हां ब्लू मतलब डिपार्चर। ये पुशबैक हम टाइम देते हैं, इतने बजे पुशबैक टाइम दिया हमने, यहां पे रिक्वेस्टेड टाइम होता है, जिस टाइम पे रिक्वेस्ट किया उसी टाइम दे दिया तो वो सेम टाइम होता है। फिर ये टैक्सी टाइम होता है जो यहां पे, ये इसका स्टैंड है, ये पीओबी है और ये सिक्योरिटी चेक कंफर्म हुआ है कि नहीं, कंफर्म जो यहां यहां पूछा है पीडीसी से लेता है सारे डिटेल। अराइवल में है ये, आ रहे हैं जो लैंडिंग के लिए आ रहे हैं। हां ये लैंडिंग के लिए जो आ रहे हैं, सेम कॉल साइन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, ये इसकी स्पीड है, ये ट्रांसपोंडर है, स्पीड अच्छा कहां लिखी होती है, ये रहा नॉटिकल माइल्स 460, ये उसका लेवल है 340, ये उसका एक्चुअल मतलब जो टाइम है ना एस्टिमेटेड टाइम जो 0817, ये गोवा से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, मुंबई की अल्फा 10 उसको बे नंबर मिला है, ये अल्टरनेट एयरपोर्ट होता है सूरत जैसे। अगर बॉम्बे में लैंड नहीं कर पाए तो सूरत जाए, यू नो कि वो कहां जाएगा डायवर्ट। अभी जैसे रनवे 14 चल रहा है तो आईएलएस रनवे 14 ये लेवल है, और ये जो नंबर 1 सीक्वेंस था, हां ये सबसे पहले देखो वो डिपार्चर हो रहा है। अच्छा ये जो ये मैंने यहां पे सीक्वेंस लगाया, अच्छा ये जो जहाज जा रहा है विस्तारा का, ये विस्तारा ये यहां पे नंबर 1 लगा हुआ है, ये लगा हुआ ठीक है, ये वाला एयरक्राफ्ट हो जा रहा है। फिर ये उसके पीछे इंडिगो लगा हुआ है फर्स्ट वाला, फिर उसके पीछे ये जो ओल्ड एयरपोर्ट का है ये प्राइवेट जेट, ये प्राइवेट जेट है। क्या टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या प्राइवेट जेट का, प्राइवेट जेट ये है चार्ली लीमा 60, तो ये चलिए 5348 मोनिटर टावर 118.1 5, 4, 2 तो ये आप ग्राउंड है, ग्राउंड से फिर टावर चला जाएगा, टावर टेक ऑफ क्लीयरेंस देगा, तो जैसे ही आपने टावर पास भेजा आप नीचे फेंक दोगे, नहीं नहीं जैसे ये टेक ऑफ हो जाएगा तब फेंकेंगे, क्योंकि अगर पहले ही फेंक देंगे मान लो कुछ इंसिडेंट हो गया वापस तो इमीडिएटली चाहिए होती है। एंड टावर आल्सो हैज द सेम स्ट्रिप जो आपके पास है, सेम स्ट्रिप, यहां से दो स्ट्रिप निकलती है, अच्छा यहां से प्रिंट आ जाती है, एक टावर में जाती ठीक है। अभी इस इंडिया को टेक ऑफ मिलेगा, ये भी बाय बाय टाटा, अपनी डेस्टिनेशन पे सारे पैसेंजरों को लेके सही सलामत खुशी खुशी हवा में उड़ेगा। एंड दिस इज़ हाउ यू मैनेज एविएशन, तो ये है कंट्रोल टावर, तो बेसिकली टावर और ग्राउंड है यहाँ पे, सारा जो मूवमेंट देख रहे हैं आप अपनी मर्जी से, कोई भी पायलट कुछ नहीं कर सकता, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ से आते हैं। तो ये ग्राउंड कंट्रोलर्स हैं, मतलब कि ग्राउंड पे जो भी आदमी चल रहा है इसको भी क्लियर टू लैंड दिया गया एयरक्राफ्ट एयर इंडिया को, तो यहाँ से आ रहा होगा वो 4 माइल के आसपास क्लियर टू लैंड दे देते हैं, 11 इसको लैंडिंग क्लियरेंस मिल चुकी है, तो जो भी एयर का मूवमेंट है वो टावर देखता है, टावर ये लोग ऊपर खड़े जो कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। कंटिन्यू अप्रोच, इसके पीछे एक और होगा उसको कंटिन्यू अप्रोच दिया, तो ये लैंड करेगा, इन लोग को फिर क्रॉसिंग दे देंगे, देखो विस्तारा को बोला रिपोर्ट एयरबस ऑन साइट, तो इसको भी विस्तारा को भी क्रॉस करना, ये लैंड किया उसको क्लियरेंस दे दिया। बैक टू द एयरपोर्ट, जब मैं फ्लाइंग करता था तब मैं इतना एयरपोर्ट नहीं आता जितना मैं अब आता हूँ, मुंबई का डीजी यात्रा मेरा कभी नहीं चलता, आज देखते चलता है कि नहीं, चल गया भाई आज, अरे वाह चल गया भाई डीजी यात्रा, आज मैं नहा के आता था, चेहरा साफ होगा इसलिए पढ़ लिया, लास्ट टाइम मैं पढ़ ही नहीं पाया था। अभी बज रहा 2:30, मेरी फ्लाइट 5 बजे की, बहुत जल्दी आ गया, देख 3:30 की भी फ्लाइट होती थी, मैंने कहा 3:30 वाली फ्लाइट क्यों नहीं हो रही आज, लेकिन अभी टावर गए थे ना तो रनवे 14 यूज में था, जो एक्टिव रनवे था मेन 27 वो बंद चल रहा है, तो वो जब बंद होता तो काफी फ्लाइटें कैंसिल कर देते, क्योंकि ना रनवे 14 उतना हैंडल नहीं कर सकता, रनवे 27 टक 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 चलता है काम। कुछ देर पहले थे टावर में, ये सब ऊपर से देख रहे थे यहाँ से कौन कहाँ जा रहा है, अब है यहाँ पे नीचे, लेकिन भाई आज खाएंगे खूब हेल्दी, आज कटवाना नहीं है। इस सीट पे 2:30 बजे आया था, अभी हो रहा है 5:15, 5 बजे की फ्लाइट थी, 2 बार डिले हो चुकी है, अभी दोबारा जा रहा हूँ चेक करने, सामान रैप अप करके।
अरे भाई हम लेट कैसे हो गए भाई, हम लेट कैसे हो गए भाई। जैसे मैं गया टाइम चेक करने, कह रहा है लास्ट कॉल कैसे हो सकती है। व्हाट लास्ट कॉल, 2:30 बजे से एयरपोर्ट आया हुआ, लास्ट कॉल कैसे हो सकती है। 3-4 पैसेंजर और पीछे भागे भागे आए, वो कहते हैं हेलन वाले सर इट वाज अ एरर ऑन डिस्प्ले। मैंने कहा भाई तुम्हारे एरर के चक्कर में हमारी रात खराब हो गई। घर पे इतनी शांति, क्या बात है। बच्चा तुम्हें क्या, हाँ तुम भी कर लो चार चीजें। दिखते सन, दिखते सन है। चलो टच यूट। हाँ हाई फाइव। पीहू तू तो बड़ा हो गया भाई। अच्छा हल्की दो, पापा को भागने वाली हल्की। अरे भैया रस्सी तो बहुत भारी है। पीहू तो अभी बस बंद होने वाला पेटू। नहीं, पीहू का पेटू बंद होने वाला बस। लेकिन पीहू बहुत तेज कूदती है धड़म करके। पीहू आराम से कूदना भैया। रस्सी आपने, रस्सी आपने बेटा। नहीं बहुत बड़े हो रस्सी आप। आजा मेरे सर। अरे पापा एप्पल नहीं खाएंगे। पीहू की है यार, खाने दो उसको प्लीज। बस चलो भैया उठो, आपको भी ठंड लग जाएगी। चलो स्वेटर पहनो। फाइनली हमारे घर का बेड आ गया आज। इस रूम का भी बिस्तर पर सोएंगे, नो मोर जमीन पे सोना ना। अरे ये नहीं, ये तो पहले से था। इस रूम का बेड आ गया, अभी लग रहा है बेड। फाइनली हमारे दो बेड लग गए आज, कितना कूड़ा निकला। अब तुम क्या करने आई हो बाहर, चलो अंदर। कल पूरा सपोर्ट चाहिए, सहयोग आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नो देखो जरा इसको, टॉयज चाहिए इसको। ले राम, हर राम इसको बिल्कुल नहीं। नीचे देखो जरा, पैर गिर जाएगी ये। देखो भैया कितना निकाल, कौन सा चीज निकालो उसको। चलो रोने वाली क्या बात है, लो आगे 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 आगे। कौन सा चीज बताओ, कौन सा चीज बताओ, कौन सा चीज। बच्चे लग गई क्या, भी आ गया क्या। आपदा आ गई बेटा, क्या आपदा आ गई। बताओ पापा को बताओ क्या हुआ, क्या हो गया सो, क्यों हो गया उसकी बड़ी बहन। बताओ शांत प्रभु, शांत शांत प्रभु, प्रभु शांत। फोन भागो, चलो जैसे मोदी जी का फोन आया इसको भागे। क्या करना है अभी। वही तो रशी को भी नींद नहीं आई है, क्योंकि पापा आपका स्टोरी का टाइम है। आप मुझे स्टोरी सुनाओ, और पापा का बचा है बहुत सारा काम, तो पापा अभी काम करने जाए कि स्टोरी सुनाए। स्टोरी जे 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 बेर, ये अच्छा ये चाहिए था घंटे से। लो मेरी माता, बहुत शैतान हो गया पिहुड़ी, बहुत शैतान हो गया भैया। देश का दुन्नी का है, देश का दुन्नी, देश का दुन्नी, देश का दुन्नी।